एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका साई फिजिक्स में। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये 4 मार्च को सीबीएसई बोर्ड का जो 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर हुआ है, तो उसका सलूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको हल्का सा बोर्ड का एक आइडिया हो जाएगा। और ये सेट मेरे पास 2 है, और जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 23 है, ठीक, सॉरी 23 पेजेस हैं, और टोटल जो क्वेश्चन है वो 33 है, ठीक है। इसमें जो सेक्शन वाइज है मैं आपको बताता चलूंगा, और इनके सोल्यूशन को हालांकि डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कहीं किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 3 point charges each of charge q are placed on a vertices of a triangle ABC. ये कोई भी एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है उन्होंने इस तरह से, ए बी और सी, और ये दे रखा है, साइड दे रखी 5L, ये साइड दे रखी है उन्होंने 5L। ए बी आप देख सकते हो, ए बी और ए सी दोनों 5L और 5L हैं, और बी सी 6L है, यानी यहां से यहां तक 6L डिस्टेंस है, और हमें इनके वर्टिसेस पर 3 charges हैं क्यू क्यू क्यू, और अपने को मिड पॉइंट पर यानी इस जगह पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब पोटेंशियल में थोड़ा ध्यान देते हैं कि यहां पर पोटेंशियल 3 जगह से आएगा, एक Q चार्ज से भी, एक इस वाले चार्ज से, एक इस वाले चार्ज से। अच्छा, ये 5L है तो ये हो जाएगा 3L। अब अगर ये 3L है तो पाइथागोरस का बड़ा बढ़िया सा एक सिमेट्रिक रिजल्ट बन जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 4L, ठीक है। तो अब जल्दी से अगर मैं बात करूं इस O पॉइंट पर पोटेंशियल की, तो ये O पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा VA प्लस VB और प्लस VC। अच्छा, A का मतलब क्या हो जाएगा? A का मतलब हो जाएगा K Q अपॉन 4L। VB कितना हो जाएगा? VB अपने पास आ जाएगा K Q अपॉन 3L, क्योंकि B से O पॉइंट 3L डिस्टेंस पर है, और ये आ जाएगा तीसरा भी K Q अपॉन 3L। तो इसमें K Q अपॉन L आप कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 और प्लस 1 अपॉन 3, तो फाइनली ये अपने पास आ जाएगा K Q अपॉन L, और सॉल्व करने पर ये आ जाएगा एलसीएम अपने पास 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 के क्यू अपॉन 12L। अच्छा, 11 के क्यू अपॉन 12L को अगर आप सॉल्व करते हो मेरे बच्चों, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 12, K का मतलब होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन L, तो 4 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 48, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 11 अपॉन 48 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, इसका मतलब A। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा अपने पास A, ठीक है। चलिए अब आते हैं फर्दर सेकंड क्वेश्चन पर। इसको तो जल्दी से पहले रफ कर दें, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको देखिए। अब यहां दे रखा था कूलम फोर्स F वर्सेस 1 अपॉन R स्क्वायर ग्राफ फॉर 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2। अब यहां पर ये तो हमने पढ़ा हुआ कि F और 1 अपॉन R स्क्वायर में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में यहां पर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन R स्क्वायर, तो यहां पर F में और 1 अपॉन R स्क्वायर में अगर आप ग्राफ खींचोगे तो वो एक तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसकी जो स्लोप होगी वो प्रोपोर्शनल होगी दोनों प्रोडक्ट के, ठीक है। अच्छा, अब यहां एक बात तो क्लियर है कि ये स्लोप मतलब tan थीटा, ये एंगल कम है, इसकी स्लोप कम है, स्लोप स्मॉल है,
और ये स्लोप कंपैरेटिवली कैसी है, लार्ज। ठीक है, अब ये स्लोप लार्ज है इसका मतलब क्यू टू तो दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो क्यू वन और क्यू थ्री में, क्यू वन और क्यू थ्री को अगर कंपेयर करें तो स्लोप, क्योंकि क्यू वन क्यू टू कम है तो क्यू वन की वैल्यू स्मॉल होगी, किससे स्मॉल होगी, क्यू थ्री से। अब कैसे अरेंज करना था इसको, अरेंज करना था या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब आप देख सकते हो इसमें दे रखा है क्यू टू कैसा है, क्यू टू लीस्ट मैग्नीट्यूड का है, तो क्यू टू तो बेचारा सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा यानी क्यू थ्री, तो बीच में कौन रह गया, क्यू वन। तो क्यू थ्री उससे छोटा क्यू वन, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, क्यू टू। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थ्री में द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मेरे बच्चों, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करता है, तो इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है एक तो नेगेटिव होती है और दूसरा वैल्यू में कैसी होगी, स्मॉल। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी शो करती है कि हाउ इजीली अ सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो बहुत मुश्किल है मैग्नेटाइज करना, इसलिए इसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, अ सर्कुलर लूप ए ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करेंट आई, अनदर सर्कुलर लूप बी ऑफ रेडियस आर बाई 20 इज प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकली इन द प्लेन ऑफ ए, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद बी। देखो सुनो, अब यहां पर एक तो बड़ी सी क्वाइल है और एक क्वाइल इसके अंदर है, बड़ी वाली क्वाइल की रेडियस है आर और छोटी वाली क्वाइल की रेडियस है आर बाई 20। अब छोटी वाली जो क्वाइल है उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू होता है बी इंटू ए या एन बी ए। अब सिंगल टर्न की बात हो रही है तो बी कितना हो जाएगा, अगर इसमें करंट की वैल्यू आई है, जो बिगर क्वाइल है बड़ी वाली क्वाइल है उसके मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, और एरिया छोटी वाली क्वाइल का यानी पाई आर स्क्वायर बाई 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर करोगे तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। तो आप साफ देख सकते हो कि केवल क्या बचा, इसमें आर बचा, यानी इसको अगर हम लिख दें तो कितना आ गया, देखो म्यू नॉट पाई आई आर अपॉन 800। तो पूछ रहा है कि जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो बिल्कुल क्लियर सा आंसर है, फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्लक्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन फाइव में दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी वी वी एक्स आई कैप एंड वी बाई जे कैप, इट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू बी नॉट आई कैप, इट विल मूव इन अ। अब जरा ध्यान से देखिए, जो वेलोसिटी अपने पास दे रखी है वो ये आ गया, देखो ये तो हो गया वी एक्स और ये हो जाएगा अपने पास वी वाई, और इस डायरेक्शन में ही क्या हो जाएगा, ये आ गया बी नॉट आई कैप, एक्स एक्स डायरेक्शन में है ना, ये भी एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है। अब यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, तो मेरे पास जो ये जो वी एक्स कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसके कारण पार्टिकल कैसा मूव करेगा, ड्यू टू दिस वी एक्स पार्टिकल विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वहीं जो वी वाई कंपोनेंट है इसके कारण पार्टिकल कैसा मूव करेगा, वी वाई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वी वाई के कारण पार्टिकल मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ पर, लेकिन क्योंकि दोनों वेलोसिटी एट द सेम टाइम एक्ट कर रही हैं तो ये एक उसी समय पर स्ट्रेट लाइन में भी चलेगा और उसी समय पर सर्कुलर मोशन भी होगी, और जब एक ही समय पर सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन दोनों मिला दी जाए तो एक नई मोशन बन जाती है जिसे कहा जाता है हेलिकल पाथ या हेलिकल मोशन। तो इसका फाइव का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स और सिंपल सा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो केवल किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर वेव नेचर होता तो ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करती, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करना शो करता है कि जो लाइट है वो क्वांटम नेचर की, मतलब पार्टिकल नेचर की है।
नेक्स्ट आ जाते हैं। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें कई बच्चों ने थोड़ा सा गलत जज किया। जब हम ईएम वेव की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो ईएम वेव में अक्सर हम डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है इस तरह से, है ना, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया ये, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं हम लोग वो कुछ इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से, ये हो गया बी। तो उसने पूछा ई और जो बी है उसमें कितना फेज डिफरेंस होता है। अब बच्चों ने सोचा फेज डिफरेंस होता है तो ई और बी के बीच में एंगल देखा उन्होंने, बोले तो ये 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम बच्चों ने ये 90 डिग्री मार्क कर दिया, लेकिन 90 डिग्री नहीं, आंसर क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस। बच्चों जिस समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है उसी समय पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होती है, जिस समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है उसी समय पर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाला चेंज वेरिएशन बिल्कुल सिमिलर मैनर में होता है, इसलिए इनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो होता है। तो सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरीज, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, एट का आंसर हो जाएगा सी, जब फॉर्मूला है तो सीधे। नाइन्थ क्वेश्चन, अब नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा, एन एसी सोर्स वी इक्वल टू 282 साइन 100 टी कनेक्टेड अक्रॉस अ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट विल बी। अब देखो मेरे बच्चों, एसी में जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होती है उसको कैसे लिखा जाता है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ जो करंट है मेरे बच्चों, तो आई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वी अपॉन जेड, और क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है तो जेड की जगह आ जाएगा काई सी, और वी अपॉन काई सी का मतलब मेरे बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सी ओमेगा, और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा वी सी ओमेगा। अब यहाँ V क्या है मेरे बच्चों, अगर आप आई आर एम एस निकालना चाहते हो तो हमें वी आर एम एस लगाना पड़ेगा, वी आर एम एस, और वी आर एम एस कितना होगा, अब देखो ये पीक वैल्यू है, 282 क्या है, पीक वैल्यू है V नॉट, तो इसमें आर एम एस कितना होगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 282 डिवाइड बाई रूट 2, C कितना है 1 माइक्रोफेरेड मतलब 10^-6, और ओमेगा, अब ये ओमेगा है, देखो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, फॉर्मूला होता है ना, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा कितना होगा बेटा, ओमेगा हो जाएगा 100, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो फाइनली कितना आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 282 करके तो ये आ जाएगा 20 मिली एम्पियर, तो इसका आंसर नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब यहां पर है क्वेश्चन नंबर 10, अ गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, द अमीटर विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ अबाउट। अब जरा सुनो, जैसे हम लोग अमीटर की अगर बात करते हैं तो उसमें जो वैल्यू यूज करते हैं वो बेसिकली क्या होती है बेटा, वो इस तरह से है कि जो शंट की वैल्यू है वो होती है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है। अच्छा शंट इन्होंने कितना दे रखा है, शंट की वैल्यू लगा दी इन्होंने 0.1, ठीक है, आई जी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमें निकालना है, जी कितना दे रखा है इन्होंने 100, और आई कितना दे रखा है 1 माइनस आई जी, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो, एक दूसरे की जगह बदल दो, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपने पास आई 1 माइनस आई जी, ये आ जाएगा 100 आई जी डिवाइडेड बाई 0.1, तो पॉइंट उड़ाकर एक जीरो और बढ़ा दो, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे 1000 ऑलरेडी और 1 और जोड़ दिया, तो 1, अच्छा इसमें ऑलमोस्ट फिर क्या लिख सकते हो, फिर तो 1000 आई जी लिख सकते हो, 1000 आई जी प्लस 1 मतलब 1001 आई जी, जो अप्रोक्सीमेटली 1000 आई जी के बराबर होगा, तो सीधे आई जी किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 1000 यानी 1 मिली एम्पियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा, कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह कहीं हो सकती है, तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर दीजिएगा, हालांकि मैंने कोशिश की कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, फिर भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लीक से अलग हटके क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा इसको। यहां पर उसने पूछा कि बामर सीरीज में वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीजेस, दे एपियर। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम बामर सीरीज की बच्चों बात करें तो बामर सीरीज में क्या होगा, देखो बामर सीरीज मतलब ये आ गया, देखो ये अपने पास आ गया 1, 2, 3, 4 और 5। एक्चुअली बामर सीरीज में क्या होगा कि जैसे ही, अच्छा ट्रांजिशन क्या होंगे, 3 से, ठीक है, फिर या फिर क्या होगा 4 से। बामर सीरीज कब बनेगी, जब ट्रांजिशन क्या हो, हायर से 2 में हो। या अब यहां पर किसमें नंबर, इनकी डेंसिटी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो मेरे बच्चों सबसे पहले एनर्जी समझ लो। उसने कहा कि जैसे मैं अगर इसको फर्स्ट, इसको कह देंगे एच अल्फा, ये हो गई एच बीटा, ये हो गई एच गामा, बाकी लाइंस और बढ़ती चली जाती हैं। तो सबसे पहली बात ये समझो आप कि जो हायर एनर्जी स्टेट है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज़्यादा मतलब मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऑब्वियसली बात है जितने इलेक्ट्रॉन 3 में मिलेंगे उतने 4 में नहीं मिल सकते, और जितने 4 में मिलेंगे उतने 5 में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कम होता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, एच अल्फा, यानी एच अल्फा लाइन बहुत डेंस इंटेंसिटी की है। लेकिन जब एच बीटा की तरफ चलोगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, एच अल्फा से कम हो जाएगी, और जब एच गामा की तरफ चलोगे तो इंटेंसिटी का मतलब इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस है ना, ये कि कितने इलेक्ट्रॉन 4 से, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएंगे और उससे कम 4 से 2 में आएंगे, और उससे कम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 से 2 में आए, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहली बात है कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी, अब सुनना, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी बेटा, है ना। ये सारे एच अल्फा से ज्यादा एनर्जी एच बीटा की होती है, और एच बीटा से ज्यादा एनर्जी एच गामा की होती है। एच अल्फा की वेवलेंथ ज्यादा होती है, एच बीटा की वेवलेंथ उससे कम, एच गामा की वेवलेंथ उससे कम, वेवलेंथ घटती जा रही है। तो वेवलेंथ घटती चली जाती है, जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती है वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती है, वीक होती चली जाती है। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, वीक हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं, क्लोज आने लगते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी, क्लोज टुगेदर एंड वीकर इन इंटेंसिटी। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इसमें कहीं कोई मिस्टेक है, क्योंकि इसका चारों में से कोई ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। मैं यहां पर गलत हो सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ लगे, आप मेरी बात से सहमत हो तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको लेकर। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, फ्लक्स निकालिए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होना चाहिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू ए। अब बी इंटू ए का मतलब क्या होगा, फ्लक्स की अगर बात करें, बी इंटू ए का मतलब हो जाएगा बी नॉट कॉस 2π T/T, और एरिया, एरिया के थोड़ी देर के लिए मैं ए मान लेता हूं, अच्छा नंबर ऑफ टर्न भी दे रखे हैं तो एन भी मान लेता हूं और ए मान लेता हूं, एन एन बी ए ऐसे करके, ठीक है। अच्छा लेकिन उसने पूछा है ईएमएफ इंड्यूस, तो बच्चों ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होगा माइनस का d φ/dt अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का एन बी नॉट ए बाहर आ जाएगा, और जब मैं कॉस का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 2π T/T और इंटू 2π T, यानी जो इंड्यूस ईएमएफ मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एन बी नॉट ए इंटू 2π/T, और साइन फंक्शन आएगा साइन 2π T/T। आया, अच्छा अब वो कह रहा है कि वो टाइम बताओ, आपको वो टाइम बताना है जिस पर क्या होगा, ये ईएमएफ मैक्सिमम हो। अब यहां पर सीरीज बात है, ईएमएफ मैक्सिमम, तो ई किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, तो साइन कब कब मैक्सिमम होगा, तो साइन कब मैक्सिमम होगा, पहले तो ऐसे समझ लो, साइन मैक्सिमम कब होगा, सबसे पहले 90 डिग्री पर साइन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो साइन 2π T/T, वैसे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ही मैक्सिमम होगा, साइन π/2 पर, 3π/2 पर मैक्सिमम होगा, तो
तो यहां पर अगर मैं साइन मैक्सिमम, वैसे साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 लगाओगे आप, और साइन 1 कब होगा, जब 90 हो या 270 हो, यानी 3 पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 2m प्लस 1 पाई बाई 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां जो t आएगा, सॉरी साइन भी लिख देना चाहिए मुझे यहां पर, ये साइन मान लेना पर, तो यहां पर जब इक्वेट करोगे तो यह आ जाएगा 2t अपॉन t इक्वल्स टू 2m प्लस 1 अपॉन 2। तो जो t आएगा वो अपने पास कितना आएगा बच्चों, जो t आ जाएगा वो आ जाएगा 2m प्लस 1 t अपॉन 4। अब m की वैल्यू लगाते चले जाओ, तो अगर मैं 0 लगाता हूं पहली कंडीशन के लिए, 0 लगाता हूं तो कितना होना चाहिए, ये आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास कितना आएगा, 0 अगर मैं लगाता हूं तो t बाई 4, या फिर कितना आएगा, फिर मैं 1 लगाता हूं तो 3t बाई 4, इस तरह से आना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें से कोई भी ऑप्शन इसको मैच नहीं कर रहा है, ठीक, क्योंकि n इन्होंने दे रखा है 1 2 3 4, तो इसलिए ये तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन आप में से अगर किसी को लगता है कि इसमें से आंसर मैच करेगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन पर है, इसको एक बार देख लीजिए। इसमें ए तब मार्क करेंगे जब ए और आर सही है, एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन उसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी है। और बी तब मार्क कीजिएगा जब ए और आर सही तो है लेकिन आर उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, और सी का मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी तब मार्क करेंगे हम लोग जब ए और आर दोनों ही गलत हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 13। अब 13 में देखिए क्या दे रखा है, 13 में गिवन है कि इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी रिड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज, बिल्कुल सही है। इट इंक्रीजेस इन अनदर रीजन एंड प्रोड्यूसेस अ ब्राइट फ्रिंज, बिल्कुल सही है। दिस हैपेंस बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन द फिनोमेन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। अब ये बात गलत हो गई क्योंकि इंटरफेरेंस में एनर्जी कंजर्व रहती है, तो इसका मतलब ए सही है और आर गलत है। अब ए सही और आर गलत है तो सामने दिख रहा है, इसका मतलब 13 का क्या हो जाना चाहिए, 13 का मेरी अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए सी। अब आ जाइए 14 पर, एजर्शन। When electron drift in a conductor, it does not mean that all free electrons in the conductor are moving in the same direction. बिल्कुल सही है कि जब कभी कोई किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं, लेकिन सबके सब क्या होंगे, सबके सब पैरेलल मूव नहीं करते हैं क्योंकि उनकी थर्मल वेलोसिटी अलग होती है इनिशियल। अच्छा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह भी काफी हद तक सही है क्योंकि एक्सीलेशन लग जाता है, तो उसका मतलब ए और आर सही है, ठीक है, ए और आर सही है, लेकिन आर इसका सही रीजन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि यहां पर क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों सही है लेकिन वो पैरेलल क्यों मूव नहीं करते हैं, पैरेलल इसलिए मूव नहीं करते हैं क्योंकि उनमें क्या होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सीलेशन है, उनकी जो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी है वो सबकी डिफरेंट होती है। तो ए और आर सही है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आर का आंसर हो जाएगा बी। 15 पर, एजर्शन। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम सर्फेस ऑफ जिंक वेन इट इज इरेडिएटेड बाई येलो लाइट, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम सर्फेस ऑफ जिंक वेन इट इज इरेडिएटेड बाई येलो लाइट। अब पहले इसको समझ लीजिए आप, जिंक के लिए जो वर्क फंक्शन होता है मेरे बच्चों वो होता है 3.75 अप्रोक्स, और जो येलो लाइट की एनर्जी होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 2.13 समथिंग, तो इसके अकॉर्डिंग गलत हो गया। देखो जिंक का वर्क फंक्शन ज्यादा है और येलो लाइट की एनर्जी कैसी है, कम है, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकता, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। और एनर्जी एसोसिएटेड विद अ फोटोन ऑफ येलो लाइट इज मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ जिंक, ये भी गलत है, तो इसका मतलब क्या होगा, टेक्निकली दोनों ही वैल्यू गलत हैं। जब दोनों ही गलत हैं तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वैसे दिखने में लग रहा है कि दोनों ही सही हैं लेकिन क्या होगा, लेकिन जब आप वर्क फंक्शन और इनकी एनर्जी मैच करोगे तो जिंक की जो वर्क फंक्शन है वो लाइट एनर्जी से ज्यादा होता है,
तो इसलिए जिंक से नहीं एमिट होंगे फोटॉन्स इस तरह से, तो इसका हो जाएगा डी। 16, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। द चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही है। वेयर इज द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि होल्स होते हैं, ये भी सही है। देखो ये दोनों सही तो हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अपने पास क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये समझिएगा, देखो अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर क्या हो जाएगा, एन एयर बबल इज ट्रैप्ड। अब जरा इसको समझ लीजिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या हो जाएगा कि यहां पर सबसे पहले देखो लाइट रे इस तरह से मूव करेगी, बी ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन ज्यादा पढ़ के नहीं बता रहा हूं, आप एक बार क्वेश्चन चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ भी लीजिएगा। तो ये ग्लास का ग्लोब है, उसके अंदर बी पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर पी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहां पर ही ऑब्जर्वर भाई ये देख रहे हैं। तो लाइट रे क्या होगी, देखो सबसे पहले लाइट कहां से कहां मूव करेगी, इसको समझ लो, लाइट मूव करेगी ग्लास से बाहर एयर में। तो इसके तरह के क्वेश्चन करने का बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है, सबसे पहले ये बना लो म्यू वन म्यू टू यू वी और आर। मैं जब भी बच्चों को क्वेश्चन कराता हूं तो मैं इस तरह से, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो इसको फिल कर लो पहले। म्यू वन मतलब लाइट रे पहले किस मीडियम से चल रही है, तो देखो ग्लास से एयर में आ रही है, तो ग्लास से एयर में आ रही है तो म्यू वन हो गया 1.5, एयर मतलब 1। यू कितना हो गया, अब यू क्या होगा, ये यहां से डिस्टेंस मेजर की जाएगी यहां तक, ये डिस्टेंस। अब या बच्चों ये जो अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए ए कह दूं, तो ए से सी तक तो रेडियस हो गई, जो कितनी गिवन है, रेडियस गिवन है 40, और ए से बी, बीसी दे रखा है इन्होंने 20, तो 20 का मतलब ए भी कितना हो जाएगा, ए भी आप निकालोगे तो 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का इसके लिए कि आप जब ए से बी की तरफ जा रहे हो तो लाइट के अपोजिट जाओगे, वी निकालना है। अच्छा रेडियस, रेडियस के लिए आपको ए से कहां तक जाना पड़ेगा, सी तक, रेडियस के लिए ये जाना पड़ेगा सी तक, तो फिर भी लाइट के अपोजिट जाओगे तो माइनस का 40। अब आप फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें आप, म्यू टू कितना लगा दोगे 1 अपॉन वी लगा दो, ये आ जाएगा म्यू वन आ जाएगा 1.5 अपॉन यू कितना हो जाएगा माइनस का 20, म्यू टू कितना आ जाएगा, म्यू टू आ जाएगा 1 माइनस 1.5 और अपॉन आर आ जाएगा माइनस 40। तो मेरे बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो वी की वैल्यू आ जाएगी, मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए सॉल्व कर लिया, माइनस का 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, और माइनस का 16 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या है मेरे बच्चों, माइनस का 16 सेंटीमीटर आने का मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है ना, वैल्यू है, ये कितनी आ जाएगी, यानी ये जो लाइट रे हैं ये थोड़ा बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाएंगे और फाइनली यहाँ पर इमेज बन जाएगी इस पॉइंट पर 16 सेंटीमीटर पर। माइनस का मतलब है कि अगेन आपको लाइट के अपोजिट जाना है, तो इसका रे डायग्राम भी हो गया। ठीक है, तो दो नंबर के अकॉर्डिंग ठीक क्वेश्चन था। अच्छा, लेकिन अगर किसी को ये ना आता हो तो और वाला क्वेश्चन ज़्यादा आसान था, 17 का बी। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही आसान था। देखो अब इसका बी क्वेश्चन देखो, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर द रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई पीस लेंस इज 1 मीटर। देखो बच्चों किसी भी टेलीस्कोप में ना ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है एफ ओ प्लस एफ ई नॉर्मल एडजस्टमेंट पे, और ये रखा है 1। ठीक है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर कह दें, ऐसे 100 सेंटीमीटर कह दो। ठीक है, ये आ गया 100 सेंटीमीटर। अच्छा, और मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, ये दे रखा है 19। तो बच्चों ये होता है एफ ओ अपॉन एफ ई कितना दे रखा है इन्होंने, 19। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एफ ओ प्लस एफ ई दे रखा है 100 और एफ ओ अपॉन एफ ई है 19, तो यहां से एफ ओ निकालोगे तो एफ ओ कितना हो जाएगा, एफ ओ आ जाएगा 19 FE, और 19 FE इसी क्वेश्चन में पुट कर दो आप, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये अपने पास आ जाएगा एफ ओ की जगह लगा दो 19 FE और प्लस एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो जब सॉल्व करोगे तो ये सीधे सीधे 20 FE हो गया, तो 20 FE इक्वल टू 100, तो FE इक्वल टू आ जाएगा 5। और मेरे बच्चों अगर FE आ गया 5 और दोनों का समय 100, तो अपने आप ही समझ जाओ कि FO कितना आ जाएगा 95। तो मुझे लगता है एक ही जगह ये वाला आसान क्वेश्चन था दो नंबर में। ठीक है, कमेंट करके बताना आपने कौन सा आसान लगा आपको,
ये पहला वाला आसान लगा कि दूसरा वाला? मुझे तो शायद बी वाला ज्यादा आसान लगा। खैर चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 था, व्हाट आर मैटर वेव्स, तो बिल्कुल क्लियर से लिखा होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट आर मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स कौन सी वेव होती है मेरे बच्चों? मैटर वेव वो वेव होती है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो हमेशा उसके साथ एक वेव एसोसिएट रहती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। और ये जो वेव एसोसिएट रहती है इस वेव को ही कहा जाता है मैटर वेव। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, राइट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलो इसको भी समझ लो। देखो मेरे बच्चों, जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं मैं इसको, देखिए जो लैम्डा होता है, लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है? लैम्डा होता है एच अपॉन अंडर रूट 2mk। अच्छा उन्होंने कहा है कि सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, देखो लिखा है ना सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो k से तो मतलब नहीं है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट mk। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है जिसका मास सबसे कम होगा उसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, और जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका लैम्डा सबसे कम। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है उसको लिखो जिसका मास सबसे ज्यादा, तो देखो अल्फा पार्टिकल सबसे भारी, इससे इसके बाद कौन आएगा? प्रोटॉन, और बेचारा सबसे हल्का कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्योंकि लैम्डा कैसा दे रखा है? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका मास सबसे ज्यादा है उसका लैम्डा सबसे कम, प्रोटॉन बीच में, और सबसे कम मास वाला इलेक्ट्रॉन है तो उसकी लैम्डा कैसी होगी? सबसे, लैम्डा लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, तो सबसे कम अल्फा और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थोड़ा सा रफ करके साफ कर देते ऐसे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा लगभग चलो आधा पेपर तो हो गया। 19 देखिएगा, अब 19 में क्या दे रखा है? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, वेरी गुड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। व्हेन द प्रिज्म इज कंप्लीटली इमर्ज इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ट्रांसपेरेंट इमर्जेंट रे जस्ट ग्रेजेस द एडजेसेंट फेस, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है भाई, अब यहां पर समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, और इस प्रिज्म पर एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं हम लोग, एक लाइट रे इंसिडेंट कर देते हैं। अब ये लाइट रे इस तरह से आई और इसके बाद जस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है, इमर्जेंस होता है, ग्रेजिंग होता है वो सरफेस से बिल्कुल टच करते हुए निकल जाएगी। अब ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते ही मेरे बच्चों अगर ये एंगल ए है जो कि 60 है, बोले आपको कैसे मालूम 60 है? यार इक्विलेटरल ग्लास दे रखा है ना, इक्विलेटरल का मतलब हो जाएगा हर एक एंगल 60 हो गया, तो बच्चों ये जो एंगल आप देख रहे हो ज्योमेट्री से ये भी 60 डिग्री होगा, और ग्रेजिंग इंसिडेंस में ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अभी 60 देख भी सकते हो, 60 कैसे देखो, ये 60 ये 90 ये 60 ये 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 30, ये वाला 30 हो गया और टोटल एंगल है 90, तो अगर ये 30 हो गया तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए अब यहां पर कुछ नहीं करना, सीधे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे? साइन 60 और अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बाहर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू एल मान लीजिए, उसको म्यू कह दीजिए, तो यह आ जाएगा म्यू एल अपॉन म्यू, तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो साइन 60 हो गया रूट 3 अपॉन 2 म्यू एल अपॉन म्यू, तो म्यू एल बड़ा सिंपल सा आ गया, म्यू एल किसके बराबर आ जाएगा? रूट 3 म्यू अपॉन 2। ठीक है, हालांकि ग्लास कह रखा है तो आप यहां पर म्यू की वैल्यू 3/2 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पोर्शन शायद समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर थोड़ा जब तक पढ़ लीजिए तो मैं इसको इरेज कर दूं, जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आई और वी दे रखा है, उसने पूछा रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो मेरे बच्चों वैसे अगर वी और आई का ग्राफ दे रखा होता, ये वी होता आई होता, तो मैं सीधे कहता था रेजिस्टेंस मतलब स्लोप, लेकिन यहां पर चालाकी से इन्होंने आई और वी कह दिया है। तो मेरे बच्चों आर ए अपॉन आर बी ये स्लोप का रेसिप्रोकल होगा। वैसे भी देख लो ये आई बी का ग्राफ और आर किसके बराबर होता है, ये होता है वी अपॉन आई। तो यहां पर जब कभी ग्राफ आई और वी में दे रखा और आपसे क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि आर कैसे निकालोगे, तो आर बेटा निकालते हैं रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप से। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। अब कैसे करेंगे देखो, तो आर ए मतलब क्या हो जाएगा, आर ए मतलब हो जाएगा वन अपॉन स्लोप ऑफ ए, और आर बी का मतलब वन अपॉन स्लोप ऑफ बी, यानी अब स्लोप ऑफ बी ऊपर आ जाएगा और अपॉन स्लोप ऑफ ए। अच्छा स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, तो बी के लिए टेन थीटा मतलब टेन 45, और ए के लिए टेन थीटा मतलब 10 30, 10 45 वन होता है, ये होता है 1/√3, यानी रूट थ्री ऊपर आ जाएगा। तो आर ए अपॉन आर बी तो सिंपल क्लियर हो गया, रूट थ्री अपॉन वन। अब आता है रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी कैसे निकालें, चलो ये भी सीखते हैं। मेरे बच्चों आर का जो फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो क्या है, देखो आर का जो फॉर्मूला है ये होता है रो एल अपॉन ए, ए मतलब रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई आर मतलब उस वायर की रेडियस हो गई। ठीक है चलो, अब यहां पर अगर मैं कहूं आर ए अपॉन आर बी, ठीक है यह काम करते हैं, एक काम और करते हैं, क्या काम करते हैं, एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें तो रेजिस्टिविटी निकालनी ना, रेजिस्टिविटी निकालनी, तो यहां से रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर और अपॉन एल। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा है, रो ए अपॉन रो बी रेजिस्टिविटी, तो क्या आ जाएगा देखो आर ए, आर ए स्क्वायर अपॉन एल ए डिवाइड बाई आर बी, यानी इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना कितना आएगा देखो, आर ए अपॉन आर बी, आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर और कितना आएगा एल बी अपॉन, इन सब की वैल्यू दे रखी है, देखो ध्यान से क्या क्या वैल्यू दे रखी है, आर ए अपॉन आर बी तो हमारे पास पहले ही है रूट थ्री और वन, आर ए अब रेडियस का रेशियो क्या दे रखा है, आर ए और आर बी दे रखा है 2:1 दे रखा है, लेकिन क्या हो जाएगा यहां पर आर ए अपॉन आर बी की अगर बात करें तो स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 4:1, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 4:1, और लेंथ का रेशियो क्या दे रखा है 1:2, अब ये तो लेकिन हमें लगाना है एल बी अपॉन एल ए, तो यह आ जाएगा 2:1, तो सिंपल कितना हो जाएगा यहां, ये अपने पास आ जाएगा 8√1। तो एक बार कैलकुलेशन बेटा चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपने पास एल ए अपॉन एल बी ठीक है, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार और मैं देखूं जरा इसको, यहां से एक बार हर एक वैल्यू लगा दीजिएगा एक बार, ठीक है फिर चेक कर लीजिएगा, आर अपॉन आर बी यहां से मिली गया अपने को √3:1, और आर ए अपॉन आर बी, तो आर ए अपॉन आर बी भी क्लियर है यहां पर, आर ए अपॉन आर बी 4:1 ये भी सही है, और एल बी अपॉन ये आएगा 2:1। बाकी वैल्यू का क्या आप इसको आंसर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आप फाइनल आपका आंसर क्या रहा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, 21 बड़ा आसान है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर पीएन जंक्शन डायोड। तो सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग, तो ये पीएन जंक्शन डायोड ले लिया आपने, और फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है इसको एक पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ देना है,
पी को प्लस से और एन को नेगेटिव से। और रिवर्स बायसिंग में, हालांकि जब इसको बनाया जाता है ना बच्चों, तो यहाँ पर एक अमीटर बना देना चाहिए और यहाँ पर एक वोल्टमीटर दिखा देना चाहिए। और रिवर्स बायसिंग में कैसे दिखा देते हैं, रिवर्स बायसिंग में एक माइक्रोमीटर और ये पी को जोड़ दो नेगेटिव से, ठीक है। अच्छा, करेक्टरिस्टिक कर्व भी बड़ा सिंपल सा है। इसका करेक्टरिस्टिक कर्व मेरे बच्चों कैसा होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा सही करने से। लाइक दैट आई और वी का करेक्टरिस्टिक कर्व ये तो फॉरवर्ड बायसिंग में है, और रिवर्स बायसिंग में इस तरह से आ जाता है, ये आई और ये, सॉरी आई रिवर्स बायसिंग और वोल्टेज रिवर्स, ठीक है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सिंपल सा मेरे ख्याल से एक नंबर का बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये तो। फर्दर ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टिंग एन विद अ स्कैटरिंग एंगल थीटा इन गीगर मॉर्जिन एक्सपेरिमेंट। या थोड़ा सा अलग, इस बार अलग सा क्वेश्चन आया, हालांकि इसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंट अभी तक ग्रेड किया जाता था एन में और थीटा में। तो मेरे बच्चों ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाता है, क्योंकि n प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2 के। ये शो करता है कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता है, जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल हैं वो कम होते जाते हैं। तो अब उसमें दिखा ना, राइट टू कंक्लूजंस डेट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस ग्राफ। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप देखो मैं जो डायग्राम बनाने वाला हूँ, ये मुझे ख्याल से हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा। रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसा पढ़ते थे, बोले एक एटम है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, जो दूर थे, ठीक है, वो इस तरह से निकल जाते हैं, बहुत थोड़े से डेविएट होते हैं, बहुत थोड़े से 90 से ज़्यादा डेविएट होते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर रेस्ट वापस आ जाता है। तो यहाँ जो ये थीटा है ना, ये वाला एंगल है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो ऐसे अल्फा पार्टिकल जो ज्यादा एंगल पर डेविएट हुए वो क्या हो जाएंगे, वो कम होते चले जाते हैं। अब इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था, तो इससे दो कंक्लूजन ड्रॉ किए थे, एक कि एटम का मैक्सिमम पोर्शन वैकेंट है, खाली है, एम्प्टी है। तो पहला कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटम इज वैकेंट, एम्प्टी, और दूसरा कि इसका सारा मास, होल मास एंड पॉजिटिव चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। इससे दोनों कंक्लूजन ड्रॉ हो गए, यानी एक तरह से उन्होंने घुमा फिर कर रदरफोर्ड मॉडल को पूछा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, फिर उसने पूछा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस बार के लिए। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालोगे, इसको भी समझ लो आप। यहां पर एक्सप्रेशन क्या ड्राइव करना था, तो ड्राइव कैसे करना है, जैसे मान लो ये आपके पास क्या हो गया, ये एक अल्फा पार्टिकल हो गया शुरू में जब ये दूर है, और ये हो गया न्यूक्लियस ZE। तो ये जैसे जैसे आगे आता चला जाएगा, तो शुरू में जब ये दूर होगा तो यहां पर इसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक होगी, जिसको K कह दो। लेकिन जब ये आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो जब मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंचेगा तो रिपल्शन हो रहा होगा, तो एक पॉइंट पर जाकर ये रुक जाएगा। तो जहां पर जाकर ये न्यूक्लियस के पास जाकर रुक गया, इसी को कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस समय पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है। तो बोले एनर्जी गई कहां, इस समय ये जो काइनेटिक एनर्जी के थी, ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपको केवल क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देना था पोटेंशियल एनर्जी से। कैसे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2/r0। ये किसके बराबर लगा देना था मेरे बच्चों, के बराबर। बस इसको सॉल्व करके यहां से आप r0 की वैल्यू शो कर देते। तो तीन नंबर का मेरे ख्याल से बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हर एक पार्ट इसमें एक एक नंबर का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 23। अ थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज q, अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ शेल, फाइंड चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ शेल एंड पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ r/2। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, यहां पर फाइनली ये एक शेल मान लेते हैं, इसकी सरफेस पर चार्ज कैसा है, क्यू चार्ज है, ठीक है, सुनते जाइएगा। और इसकी रेडियस कितनी है, आर। अब आपने इसके सेंटर पर क्या किया, इसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा,
तो जैसे सेंटर पर क्यू चार्ज रखेंगे इसके इनर सरफेस पर तो इंडक्शन के कारण माइनस क्यू आ जाएगा और आउटर सरफेस पे आ जाएगा प्लस क्यू। ठीक, अब इस कंडीशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया था, चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस, तो चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस कितनी हो जाएगी, तो सीधे से चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज, अब चार्ज कितना हो गया यार, क्यू अपॉन क्यू। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा, 4πr2। तो चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ शेल, चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ शेल की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ शेल अपने पास आ जाएगी क्यू प्लस क्यू अपॉन 4πr2। ठीक है, ये तो हो गया क्या, ये अपने पास आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब दूसरी बात, अब बताना है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के लिए मैं थोड़ी सी इसमें गायब करता हूं, देखो अब पोटेंशियल के, अब पोटेंशियल निकालने का तरीका देखो, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे फिर से कंसीडर करते हैं। ये अपने पास क्या होगा, एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, सेंटर में कितना है क्यू चार्ज, और इससे आर बाई टू डिस्टेंस पर इस जगह पर पोटेंशियल निकालना है। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर जो पोटेंशियल आप निकालोगे, तो पोटेंशियल और सरफेस पर चार्ज क्यू है, तो किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है, यहां पर दो पोटेंशियल होंगे, एक तो इस क्यू का और इस क्यू का, तो कैपिटल क्यू का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर बाई टू, और स्मॉल क्यू जो बाहर है सरफेस पर है, तो क्योंकि स्मॉल क्यू के कारण अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है जो कि उसकी सरफेस के बराबर होता है, तो ये अपने पास आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो आप दोनों को ऐड करके इजीली पोटेंशियल फाइंड कर दोगे इसको लेकर। ठीक है, ये आ गया 23 का आंसर। किसी भी जगह आपको ऐसा लगे कि थोड़ा और डीप डिस्कशन की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा उसको बता दूं आपको फर्दर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 का पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। फिजन मतलब दो लाइटर न्यूक्लियाई, जब कभी भी दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाएंगे तो ये तो न्यूक्लियर फिजन हो गया, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। न्यूक्लियर फिजन का मतलब हो जाएगा कि जब कभी एक हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होता है लाइटर न्यूक्लियाई में, तो ये प्रोसेस क्या लाएगा, न्यूक्लियर फिजन। और जब कभी दो लाइटर न्यूक्लियाई डिफ्यूज मिलकर एक हैवियर न्यूक्लियाई बना दें तो ये कहलाएगा फ्यूजन। तो एक एक नंबर में लिखना है। अच्छा, अब ये दूसरा अच्छा क्वेश्चन है, तो द फिजन, अब सेकेंड पार्ट है, द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनियम आर वेरी मच सिमिलर दैट ऑफ यूरेनियम 235। हाउ मच एनर्जी इज MeV इज रिलीज इफ ऑल द एटम्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर पोलिनियम अंडरगो फिजन। तो सबसे पहले देख लो 1 ग्राम में यार एटम कितने हैं, तो 1 ग्राम में कैसे निकालेंगे, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, तो कितने एटम होंगे 1 ग्राम में, तो 1 upon 239 ये मोल्स हो गए, और इनटू एवोगैड्रो नंबर Na, वैल्यू आप लगा देना बाद में, Na की वैल्यू सबको मालूम होगी, एवोगैड्रो नंबर ये हो जाएगा 6.023 × 10^23। ठीक है, अच्छा अब इतने इतने एटम हो गए हमारे पास, और वो कह रहा है कि पर फिजन 180 MeV निकलती है, तो अगर इसका मतलब एक एटम में फिजन होगा तो 180 MeV मिलेगी। ठीक है, 180 MeV पर है, ठीक है, तो कितने मिलेंगे अपने पास, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके फाइनली अपने को मिनी इलेक्ट्रॉन रोल्स में एनर्जी मिल जाएगी। फर्दर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, टू लॉन्ग इंसुलेटेड स्टेट वायर्स कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर
आर अरेंज इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स पी वन एंड पी टू. अब पी वन पॉइंट पर फील्ड निकालनी है. जब सबसे पहले देख लीजिए कि पी वन पॉइंट पर फील्ड 5 एम्पियर के कारण कैसी होगी. तो अगर इसको आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये पी वन के कारण जो फील्ड होगी, इसको मैं थोड़ी देखिए, इसको 1 कह देता हूँ और इसको 2 कह देता हूँ. तो P पॉइंट पर जो फील्ड है डायरेक्शन वाइज आप देखोगे तो अगर ये B1 है तो ये इनवर्ड होगी. डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हो. और 3 एम्पियर वायर के कारण कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड. यानी यहाँ पर B2 अगर निकालोगे तो B2 कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड, मतलब डॉट, दोनों अपोजिट हो गए. वहीं अगर P2 पॉइंट पर आ जाओ आप, और यही बात दोहराओ जरा, तो P2 पॉइंट पर आओगे तो 5 एम्पियर के कारण जो करंट है वो आउटवर्ड आएगी. यानी यहां पर इस जगह पर B1 कितना होगा, और 3 एम्पियर के कारण भी कैसा होगा, आउटवर्ड. आप सुनो, अगर मैं आप B1 कह रहा हूं, B1 कितना होगा, तो B1 हो जाएगा यानी P1 या P1 कह दे रहा हूं. तो ये दोनों फील्ड क्योंकि अपोजिट हैं तो ये माइनस हो जाएंगी. यानी म्यू नॉट इंटू 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई. आर, यहां आर की वैल्यू ये है 2 m, यहां आर मतलब 2 मीटर, माइनस म्यू नॉट इंटू 3 अपॉन 2 पाई आर. दोनों जगह मैं आर सेम लगाया क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है. यानी जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस यहां से है. अब फाइनली कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, 5 माइनस 3. और ऐसे ही यहां पर बी पी टू पर आ जाओ, बी पी टू पर दोनों कैसे हैं देखो. अब यहां पर ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर हैं, लेकिन ये डिस्टेंस है कितनी, यहां पर आर का मतलब है 1 मीटर. जब हमने पी वन पे निकाला तो यहां आर का मतलब 2 मीटर है, आर लगाओगे तो 2 मीटर लगाना. और P2 जब निकालोगे तो R का मतलब कितना होगा, 1 मीटर. 1 मीटर है दोनों जगह से डिस्टेंस, लेकिन क्योंकि इस बार सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे. यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, प्लस 2 पाई आर. ठीक है, अब इस कंडीशन में दोनों को एड कर दोगे तो बी पी टू कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसको एड कर देना अपने को, तो बी पी टू. अच्छा, डायरेक्शन वाइज क्लियर है. यहां पर जो बी पी वन के डायरेक्शन है पूछी नहीं, डायरेक्शन पूछी है. तो यहां पर बी पी वन की अगर बात करें तो देखो, क्योंकि बी वन बड़ा है तो इसकी डायरेक्शन डोमिनेट करेगी, यानी इनवर्ड होगी डायरेक्शन. इनवर्ड मतलब माइनस जेड एक्सिस का हो गया, ठीक है. और BP2 की अगर बात करें तो ये दोनों ही आउटवर्ड है, यानी प्लस Z डायरेक्शन, ठीक है. नेक्स्ट, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है, व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट करंट. ये क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट. तो ID किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होता है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी. नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक, यानी करंट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट. हाउ इज दिस करंट डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्शन करंट. तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसके ओरिजिन में ही है. कंडक्शन करंट बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वाइल डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. कंडक्शन करंट अक्सर प्रोड्यूस होती है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. दोनों चीज अलग हो गई. अच्छा, इसके बाद जो तीसरा पार्ट है, अ कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, जस्टिफाई द कंटिन्यूटी ऑफ करंट इन द सर्किट. अब जरा ये पार्ट समझते हैं अच्छे से, इसका क्या मतलब है. यहां पर फर्दर अ कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ. अब यहां पर एक कैपेसिटर को क्या किया गया, चार्ज किया गया, ये चार्ज कैपेसिटर मान लेते हैं,
और इसको चार्ज किया जा रहा है किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से। बेसिकली यहाँ पर एसी या कोई चेंज वाला ईएमएफ होना चाहिए। बोले ऐसा क्यों, आपको कैसे मालूम? ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट तभी होगी जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं मैंने अल्टरनेटिंग करंट जोड़ दी। कंटिन्यूटी का मतलब है अगर इसके बाहर करंट आई सी है, कंडक्शन करंट, तो इसके अंदर जो करंट है ये कहलाएगा आई डी, डिस्प्लेसमेंट। अब आई सी कितना होगा? आई सी होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ये सबको मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी कंडक्शन करंट। यही आई डी कितना होगा? अब आई डी होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। अब डी फाई ई ओवर डी टी में डी ओवर डी टी फाई ई मतलब हो जाएगा ई इंटू ए, फ्लक्स हो जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी इंटू ए, ये हो जाएगा ई इंटू ए। अब ई इंटू ए में ये फर्दर कितना हो जाएगा अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये अपने पास आती है सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर की प्लेट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो इस कंडीशन में डी ओवर डी टी ई आ जाएगा, सॉरी मैं इसमें से ए हटा दूं, ए नहीं आएगा, ए, ठीक है। अब फर्दर आई डी कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास डी ओवर डी टी सिग्मा हो जाएगा, अच्छा क्यू इंटू ए आप देखोगे तो डेंसिटी इंटू एरिया हो जाता है चार्ज, और यहां मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट देखो चल रहा था पहले से, तो एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? ये आ जाएगा। तो आईडी, अब यहां कंटिन्यूटी का मतलब आप देख सकते हो कि किसी कैपेसिटर में जो वैल्यू आईसी की है वही वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट करंट की, यानी दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ करंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है, हालांकि इस बार क्वेश्चन एक काफी आसान सा था। अब कैसे करना है देखिए, सबसे पहले करंट ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें यहां से करंट फ्लो कराओगे, मान लेते हैं इसको कह देते हैं आई वन, ये करंट कह देते हैं I2। अब ये दोनों करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो करेंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी I1 और प्लस I2। अब यहां पर जाकर ये दोनों करंट बढ़ जाएंगी, ये अपने पास आ जाएगा I1 और ये करंट आ जाएगा I2। I2, ठीक है। अब इस कंडीशन में दो मैश बना लो, कौन कौन से मैश बन जाएंगे देखो, एम बी ए एन एम, ठीक है। अब जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा देखो, 10 आई वन प्लस आई टू, 5 आई टू, ठीक है, और माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी फाइनल, ये जो इक्वेशन बनेगी तो ये इक्वेशन अपने पास बन जाएगी लगभग, ये आ जाएगा 10 आई वन प्लस 15 आई टू इक्वल्स टू 5, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। ऐसी सेकेंड इक्वेशन एम बी सी डी एम, एम बी सी डी एम, अब एम बी सी डी एम को जब सॉल्व करूं कितना आ जाएगा देखो, ये अपने पास आ जाएगा 10 I1 प्लस I2 प्लस 5 I1 प्लस 20 I1 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो यहां पर I1 कितने हो जाएंगे अपने पास, I1 हो जाएंगे, ये आ जाएगा बस 35 I1 प्लस 10 I2 equals to 10। अब यहां पर यह है इक्वेशन वन,
और ये है इक्वेशन टू। अब इन इक्वेशन वन और टू को जब आप सॉल्व करोगे एलिमेंट या तो सिंपल सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ आप सॉल्व कर लेना, मैं डिटेल में और नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे आंसर मार्क कर दे रहा हूँ कि जब इनको आप सॉल्व करोगे तो आई वन और आई टू जो आ जाना चाहिए वो आपका आई वन आ जाएगा सॉल्व करने पर 4/17 और आई टू अपने पास आ जाएगा 3/17। तो एक बार आंसर क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपका आंसर यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। तो 28 जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन करना है और दो जो कोएक्सियल सोलेनोइड्स होती हैं उनके लिए आपको म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करना है, जो बेसिकली आ जाता है म्यू नॉट एन वन एन टू, म्यू वन एन वन एन टू अपॉन एल, और मैंने बताया था एरिया कौन सा होगा जो स्मॉलर है क्योंकि आर ये आ जाएगा पाई आर वन स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन जैसा है, इसमें ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूं। ऐसी क्वेश्चन नंबर बी भी थ्योरेटिकल है, व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। तो यानी कुल मिलाकर फेरोमैग्नेटिज्म को पूरा डिफाइन करना था, ठीक है। यहां पहले लिखना था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो आपको डिफाइन करना था दीज आर द मटेरियल व्हिच व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली मैग्नेटाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, ठीक है। उसके बाद यहां पर डोमेन थ्योरी जो हमने पढ़ी हुई थी जिसमें डायपोल्स के बारे में था, तो वो आपको यहां पर डोमेन थ्योरी जो फेरोमैग्नेटिज्म थी, फेरोमैग्नेटिज्म की जो डोमेन थ्योरी थी उसको आपको एक्सप्लेन कर देना था, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, डी सेक्शन में। पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिए पूरा, हालांकि अब पैराग्राफ यहां जो आप वीडियो देख रहे हो तो मैं आप वीडियो को पॉज करके पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा फिर इन क्वेश्चन की तरफ आइएगा, क्योंकि मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया है तो मैं सीधे सीधे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आपको लेके आता हूं। पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा फिर कीजिएगा। अब जैसे पहला है, हालांकि बड़े मजेदार बात यह है कि अगर पैराग्राफ नहीं देखेंगे तो भी इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अ थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड थिन डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हमने देखा है कि जब दो लेंस को कॉम्बाइन करके रखते हैं तो इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है 1/f1 + 1/f2। तो 1/20 और प्लस 1/-15। आप चिल्लाओगे माइनस 15 क्यों लगा दिया, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर सॉल्व करोगे यार तो इसमें एलसीएम आ जाएगा, इसमें 60 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3-4 यानी माइनस का 1/60। तो इसकी फोकल लेंथ हो गई 1/60 यानी फोकल लेंथ सीधे कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर दें क्योंकि पावर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये अपने पास आ जाएगा 6/10, कितना हो जाएगा 3/5 meter। नाउ अब पावर की अगर बात करें तो पावर होता है 1/f, विद अ माइनस साइन, -5/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। सेकंड, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर आर एंड 2r। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया अपने पास, ये r है ये 2r, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू था म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस में जो पहली फोकल लेंथ है उसको, पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको प्लस लगाते हैं और जो दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको लगाते हैं माइनस। तो 1/f ये दे रखा है 1/4r/3 और ये आ जाएगा 1/r - -2r। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4r इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और 1/r + 1/2r, तो एलसीएम आ जाएगा 2r, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2+1। तो ये अपने पास आ जाएगा 3/4r इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और 3/2r। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे, 2r से 4r कैंसिल, तो ये आ जाएगा म्यू
माइनस वन इक्वल टू वन बाई टू आ जाएगा, तो सी से म्यू आ जाएगा, वन को उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस वन बाई टू यानी थ्री बाई टू, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी थ्री बाई टू। ठीक है, अच्छा अब ये क्लियर। फोकल लेंथ ऑफ एन इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्यू कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीजेस व्हेन लेंस इज डिप्ड इन वाटर, बिल्कुल क्लियर सा है। एक्चुअली होता क्या है, देखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब एफ में और म्यू में जो रिलेशन देख रहे हो ये इनवर्स है। जैसे ही क्या होगा, जैसे ही आप किसी को मीडियम में इमर्ज करोगे तो म्यू की इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, और जब म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस व्हेन लेंस इज डिप्ड इन वाटर। ठीक है, अब देखो फोर्थ, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब यहां पर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है उन्होंने 10 सेंटीमीटर, एंड कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 15, तो आप समझ जाना इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 होगी। अब यहां बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का। बच्चों किसी भी मिरर पर, खासकर कॉनकेव मिरर पर, अगर लाइट रे कहां से आ रही है, अगर लाइट रे इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर से आए, ये आर है, तो लाइट रे अगर इस तरह से आएगी तो ऐसे आएगी और ऐसे ही यहां पर वापस लौट जाएगी, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब देखो ये लाइट रे इस तरह से आई तो ये तो फोकस पे इमेज बनाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये तो यहां से यहां तक होगी 10, ठीक है। अब ये अगर ये 10 है तो ये कितना बचेगा 30, और ये 30 का मतलब है ये वास्तव में क्या है, ये इस मिरर का रेडियस ऑफ या सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो लाइट जब इसके आगे बढ़ेंगी तो फाइनली क्या हो जाएगा, जब इसके आगे बढ़ेंगी तो क्योंकि अब ये जो इसने पहले लेंस ने जो इमेज बनाई थी वो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इसलिए क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से लाइट बिल्कुल ऐसे ही मूव करेगी और जहां इमेज है वहीं उसकी एक और इमेज बना देगी, यानी फाइनल इमेज ये बनेगी। अब फाइनल इमेज कहां पर है, ये लेंस से कितनी डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर पर, लेफ्ट है कि राइट है, तो आप देख रहे हो ये राइट साइड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस। नेक्स्ट, अ बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस L1 ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट, अनदर कॉन्वेक्स लेंस ऑफ L2 ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर इज प्लेस कोएक्सियली एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम L1, द नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम L2। देखो इसको कैसे करना है, यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम इंसिडेंट होगी इस पर, जब ये पैरेलल बीम इंसिडेंट होगी तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर है, तो ये 16 सेंटीमीटर में इमेज बना देगी जाके इमेज, और अनदर कॉन्वेक्स लेंस L2 फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर इज प्लेस कोएक्सियली एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ये दूसरा जो लेंस है वो यहां से कितनी दूर पर है, ये रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब जब ये 40 सेंटीमीटर है तो देखने वाली बात तो ये है कि अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस अब 24, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसकी फोकल लेंथ 12 है, तो वास्तव में 24 का मतलब ये पहले लेंस ने जो L1 ने इमेज बनाई वो दूसरे लेंस के 2F पे बनाई है, और 2F पर बनाई है तो आप 2F पर बनी हुई इमेज भी क्या होती है 2F, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है कि अगर ऑब्जेक्ट को 2F डिस्टेंस पर रखा जाए तो इमेज 2F डिस्टेंस पर ही बनती है, तो यानी इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी और कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, अगेन 2F मतलब 24, तो क्लियर हो गया इमेज रियल बनेगी और कितनी डिस्टेंस बनेगी 24 पर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब दूसरा पैराग्राफ आप आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है पैराग्राफ पढ़ लीजिए और वीडियो पॉज करके ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, सीधे मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आता हूँ, फिर मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा बिल्कुल अजीब सा मजाक जैसा ही है कि पैराग्राफ पढ़ो या ना पढ़ो, इन क्वेश्चन को आप बिना पैराग्राफ पढ़े भी सॉल्व करते हो, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन शायद
आप सोचिएगा अच्छा आप इस बारे में कि पैराग्राफ अगर मैं छुपा दूं तो भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। पहला, व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद पेंटावेलेंट इंप्योरिटी द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फ्री द वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोपेंट इज। इसको याद रखना, जैसे हमने क्या जर्मेनियम में कोई पेंटावेलेंट जैसे आर्सेनिक जैसा कुछ मिला दिया, अब आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन छूट जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो छूट जाता है ये नॉर्मल सी हीट एनर्जी ही चाहिए होती है, कितनी किस ऑर्डर की 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको अगर 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी भी मिल जाए तो ये आराम से रिलीज हो जाता है। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन था। फिर आता है अ गिवन टेम्परेचर द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर मतलब ये जो आप देख रहे हो ये हो गया Ni इंट्रिंसिक, और इसको डोप किया हमने पेंटावेलेंट से, तो इसमें होल्स कितने हैं, ये आ गया Nh। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, Ni स्क्वायर इक्वल्स टू होता है Ne इंटू Nh, ठीक है इलेक्ट, तो N यहां पर N E किसके बराबर हो जाएगा, यह आ जाएगा Ni स्क्वायर अपॉन Nh। Ni स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 2.0 इंटू 10 टू पावर, और अपॉन Nh कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर 3। इसे सॉल्व करोगे आप तो यह आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर 20 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 पावर 3। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास 4 अपॉन 8 इंटू 10 टू पावर 17। थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, इस 4 को 40 लिख दो, तो 40 अपॉन 8 इंटू 10 पावर 16, ध्यान रखना पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये ध्यान देने वाली बात है। सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमारे पास ऑप्शन पर मीटर क्यूब में दे रखे हैं, तो जब इसे पर मीटर क्यूब में बदलोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 16 और इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फाइनली कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 22। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन, हालांकि लेंथी तो नहीं कहेंगे, आसान है, हालांकि ये जो पेपर है ये थोड़ा सा लेंथी है, आपका पेन लगातार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा तभी ये पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो पाएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पिन, देखो ये विषय, जब पी एन जंक्शन डायोड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पी एन जंक्शन, जब कोई पी एन जंक्शन फॉर्म होता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि डिप्लीशन एयर बनती है, और डिप्लीशन एयर बनने का मतलब है मेजोरिटी चार्ज कैरियर एक दूसरी तरफ डिफ्यूज होते हैं, तो पी सेक्शन में जो होल्स हैं वो जाते हैं पी से एन, और जो एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन हैं वो जाते हैं एन से पी। तो बड़ा सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन टू पी एंड होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम पी टू एन, स्टेट क्वेश्चन था। अच्छा, इनिशियली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डिफ्यूजन करंट, पहले समझ लो डिफ्यूजन करंट सब ये क्या है क्या, जैसे डिप्लीशन लेयर बन रही होती है तो वास्तव में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स करंट फ्लो करा रहे होते हैं आपस में डिफ्यूज कर रहे होते हैं, तो जैसे होल्स जा रहा होगा पी से एन, इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे एन से पी, तो इनके कारण जो करंट है मेजोरिटी चार्ज कैरियर वाली ये डिफ्यूजन करंट है, और इसके अलावा थोड़े थोड़े माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे जैसे पी में इलेक्ट्रॉन्स और एन में होल्स, तो इनके कारण जो करंट है ये है ड्रिफ्ट करंट। ऑब्वियसली बात है कि डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ज्यादा होगी और ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू कैसी होगी स्मॉल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास अस जो वैल्यू है वो फाइनली कितना हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट इज लार्ज और ड्रिफ्ट करंट कम, डिफरेंट क्योंकि ड्रिफ्ट करंट इसलिए कम है क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये भी फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था कि जब हम ना हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें वही फ्रीक्वेंसी मिलती है जो हमने इनपुट में लगाई है, तो इनपुट में फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा टी है, तो ओमेगा मतलब हो जाएगा 100 पाई और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो एफ कितना आ जाएगा 50, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में 50 हर्ट्ज मिलता है, लेकिन जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं
तो इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें जो आपको पहली फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी या इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल मिलती है, यानी आपको 50 हर्ट्ज़ नहीं मिलेगी, डबल फ्रीक्वेंसी मतलब 100 हर्ट्ज़। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था क्योंकि ट्वेल्थ में जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं तो उसके आउटपुट का एक्सप्रेशन नहीं पढ़ते हैं, तो अगर उसका आउटपुट का एक्सप्रेशन आप पढ़ोगे तो ये चीज उसमें मेंशन होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये सबसे बेसिक पोर्शन है, मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट डिपेंड। तो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/√LC। तो क्लियर सी बात है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगी, तो इंडक्टर पर और कैपेसिटेंस पर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन और गया, प्लॉट द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इंपीडेंस। तो ये भी हमने कई बार पढ़ा हुआ है, सब बच्चों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जेड में और ओमेगा में ग्राफ क्या होगा। तो जेड पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करना शुरू करता है। ठीक है, तो सेकंड, अच्छा, सूटेबल डायग्राम बनाकर वर्किंग ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज करना था, तो बिल्कुल सिंपल से आपने कर लिया होगा इसको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। राइट टू कॉजेस ऑफ एनर्जी लॉस इन अ रियल ट्रांसफार्मर, तो दो कारण जिसके कारण एनर्जी लॉस होती है, एक तो क्या कहलाता है, एक कहलाता है कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस का मतलब कॉपर का लॉस नहीं है, कॉपर लॉस का मतलब है कॉपर की जो क्वाइल है उसमें हीट या जूल्स हीटिंग के कारण एनर्जी का लॉस होना, और एक होता है आयरन लॉस। तो आयरन लॉस का मतलब होता है एडी करेंट्स के कारण हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होना। तो दो कॉज जो है वो क्या है, एक तो है एडी करेंट और एक है जूल्स हीटिंग, तो इन दोनों के कारण एनर्जी लॉस होती है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ते हो तो नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है ऑप्शन वाला भी आसान है, एसी जनरेटर की पूरी वर्किंग वगैरह बतानी थी, और ये जैसे ये है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद अ स्पीड वी, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसको आप समझ सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी कॉइल में घूम रहा है तो एक करंट कैरिंग कॉइल जैसा हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से घूम रहा है प्रोटॉन के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां घूमना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो फर्दर एम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, करंट का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आप चार्ज जो घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज की वैल्यू ई हो गई। अच्छा, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी चलेगा एक बार में 2πr, और स्पीड कितनी है v, तो टाइम की जगह क्या लगा दोगे आप 2πr/v और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर ई पाई आर स्क्वायर अपॉन इंटू वी अपॉन 2πr, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा ई वी आर अपॉन 2। नाउ दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसी 32 क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में हम पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सा इसके लिए डेरिवेशन था। कौन सा डेरिवेशन था आपको याद होगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो सिंपल से डेरिवेशन होना था। सेकंड वाला न्यूमेरिकल है, हालांकि इस बार पेपर में देखा कि जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल पोर्शन है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा है, अच्छा पेपर है। टू कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। अब ये सही वाला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा लेंथी है, या समझ लेते हैं। पहले किसमें जोड़ दिया उन्होंने, सीरीज में, फिर कैसे जोड़ दिया है पैरेलल में। तो पहले ऐसे समझ लीजिए, जब इसको सीरीज में जोड़ा, दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा, एक को C1 कह दीजिए एक को C2 कह दीजिए। ठीक है, तो इसमें एनर्जी कितनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी जो इसमें है वो है अपने पास 40 mJ। अब इस कंडीशन में सीरीज में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो यह हो जाएगा हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। अब यहां सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज की बात कर रहे हैं तो आ जाएगा 1/2, तो ऐसे रहने दीजिए, और सी इक्विवेलेंट का मतलब हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और इंटू वी स्क्वायर। अच्छा, ये गिवन भी है अपने पास। उससे पहले जब पैरेलल वाले पोर्शन को देख लेते हैं थोड़ा और आसानी से इसको। अब यही कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हैं, तो जब यही कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हैं तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये सीधे C1 प्लस C2 आ गया। अब एनर्जी की पैरेलल में बात करोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, यह आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2
और वी स्क्वायर यहाँ दे रखा है 100 का स्क्वायर, और यूपी यानी पैरेलल में जो कैपेसिटेंस है वो है 250 माइक्रोजूल मिलीजूल। मेरे बच्चों जब इस इक्वेशन को सॉल्व करके ना आप C1 प्लस C2 निकालोगे, तो C1 प्लस C2 पूरा इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा, मैंने कि मैं इसको पहले सॉल्व कर लिया है जिससे कि थोड़ा टाइम मेरा बच जाए, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इस सॉल्व करने पर आ जाएगा 50 माइक्रोफेरेड आ जाएगा C1 प्लस C2। अच्छा अब फिर इस अब ये C1 प्लस C2 की वैल्यू जो 50 माइक्रोफेरेड है वो यहां लगा दो आप, तो ये कितना लगा दोगे आ जाएगा 40 मिली जूल C1 C2, और C1 प्लस C2 लगा दोगे 50 माइक्रोफेरेड और इंटू वी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आप C1 C2 निकालोगे, मेरे बच्चों C1 C2 जो निकल आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 400 इंटू 10^-12 निकल आएगा। ठीक है अब लास्ट छोटा पोर्शन, एक फॉर्मूला है C1 माइनस C2 होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1C2, और जब इनकी वैल्यू आप लगाओगे यहां लगा दोगे 50 माइक्रोफेरेड का स्क्वायर और माइनस 4 × 400, तो C1 माइनस C2 जो आ जाएगा वो माइनस के बाद आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। अब आपके पास C1 प्लस C2 है जो 50 है और C1 माइनस C2 है वो 30 है, वैसे कॉमन सेंस ही देख सकते हो कि प्लस करने पर 50 आ रहा है और माइनस करने पर 30 आ रहा है, तो वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, बड़ा सिंपल सा सोच सकते हो सॉल्व कर सकते हो, उसमें से एक 40 है और एक 10 है, तो ऐड करने पर 50 और डिफरेंस करने पर 30, तो सॉल्व करने पर C1 आ जाएगा 40 माइक्रोफेरेड और C2 आ जाएगा 10 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं इसको ऑलमोस्ट। नेक्स्ट बी वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, इसमें तो क्या करना है, देखो जैसे सिंपल से डेरिवेशन था, जैसे चार्ज शीट का डेरिवेशन करते थे, तो बिल्कुल सिंपल सा चार्ज शीट वाला डेरिवेशन ही करना था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाती है, सिग्मा अपॉन 2 ε₀, एन कैप कहाँ से लाओगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी, इसके परपेंडिकुलर होती है, तो जब डायरेक्शन लगाओगे तो सीधे बस ये गॉसस लॉसेस को ड्राइव करना था, और डायरेक्शन लगाने के लिए बस वेक्टर लगा देना था σ/2 ε₀ nC, यानी ये सिंपल सा डेरिवेशन है जो हम किसी भी शीट के लिए करते थे, तो सिंपल सा डेरिवेशन है। अच्छा अब सेकंड वाला पार्ट आप देखो, यहां जो सेकंड वाला पार्ट है ये तो ओरिजिन पर है, तो यहां पर क्या होगा, इस जगह पर ई की जो एक्स की वैल्यू है वो है 0, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अगर मैं इसको E1 कह दूं, यह आ जाएगा 2i कैप, ठीक है, होगी इसी डायरेक्शन में, और ये आ गया इसका एरिया वेक्टर, और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें E2, तो यह आ जाएगा 5। अच्छा x कितना होगा बेटा, यहां पर x की वैल्यू अगर देखोगे तो x की वैल्यू है a, बाद में a को मैं 10 लगा दूंगा फाइनली, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू a, तो 5 × 2, ठीक है। अब यहां पर फ्लक्स देख लो 5 कितना होगा 2, ठीक है 2, और ये आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, और cos 180 यानी -2a². अच्छा इसकी दूसरी साइड आ जाओ, यहां पर फाइव टू कितना होगा, फाइव टू आ जाएगा E2। अब यहां पर एरिया वेक्टर और a दोनों एक ही डायरेक्शन में है, देखो यह आ जाएगा E2a cos 0, E2a यानी कितना हो जाएगा 5a² + 2
इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि दोनों नेट फ्लक्स निकालना है तो नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, नेट फ्लक्स मतलब हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास फाइव टू प्लस फाइव वन। अगर आप इसको ऐड करोगे, ध्यान से देखो दोनों को, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास फाइव ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस का टू ए स्क्वायर, क्या कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो आ जाएगा फाइव ए स्क्वायर प्लस टू माइनस टू इंटू ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा फाइव ए फोर। तो टोटल जो फ्लक्स अपने पास आ गया, ये आ गया फाइव ए फोर, और ए फोर का मतलब है टेन टू द पावर माइनस टू का पावर फोर, तो यह फ्लक्स निकल आएगा। जब फ्लक्स निकल आएगा तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, ये आराम से शो कर सकते हैं। चार्ज कैसे, गॉसियस लॉ से निकाल सकते हैं। गॉसियस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल चार्ज है, फ्लक्स होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स अपना निकल ही आया, ये देखो ये आ गया फ्लक्स, ठीक है। तो क्यू निकालने के लिए दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां से क्या निकल आएगा अपने पास, फ्लक्स निकल आएगा और चार्ज दोनों आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 33 का ए, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, डेरिवेशन ही है सिंपल सिंपल, ठीक है। वाई आर मल्टी कंपोनेंट लेंसेज, मल्टी कंपोनेंट लेंस का मतलब होता है एक लेंस को कई दूसरे लेंसेज से मिलाकर बना दिया जाता है, तो मल्टी कंपोनेंट लेंस, जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस में सिंगल लेंस ना होकर वो दो तीन लेंस को मिलाकर बनाते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है, उसका मेन पर्पस होता है जो सिंगल लेंस होते हैं उसमें बहुत सारे एब्रेशन होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, तो मल्टी कंपोनेंट लेंस बनाने से वो डिफेक्ट क्या होंगे, रिड्यूस हो जाते हैं और इमेज की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो आपसे इसका आंसर लिखना चाहिए था टू रिड्यूस द ऑप्टिकल एब्रेशन हेंस टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इमेज, ठीक है। नेक्स्ट द मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो यहां पर मैग्निफिकेशन है वो 200 है और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ आई पीस एफ ई वो 2 सेंटीमीटर है और फाइनल इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर। तो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ऑब्जेक्टिव, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कंबाइंड, ये होता है एम ओ इंटू एम ई। अब एम इक्वल्स टू एम ओ मतलब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ऑब्जेक्टिव और एम ई हो जाता है डी अपॉन एफ ई, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनती है तब ये फॉर्मूला होता है एम ई का। तो ये हो जाएगा 200, एम ओ निकालना है, डी होता है 25 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये लगा देना आपने 2 सेंटीमीटर। तो इसको फर्दर सॉल्व करके आप एमओ निकाल सकते हो, एमओ कितना आ जाएगा, एमओ आ जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गया अपन लोग, फाइनल आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, अब फर्दर बी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे, तो रे क्या हो जाएगा, द मैथमेटिकल पाथ शोज द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज सेट टू बी रे एंड द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दीज रेज आर सेट टू बी वेव फ्रंट, या वेव फ्रंट को आप डिफाइन कर सकते हो, These are the planes on which all points or light vectors oscillates in same phase. तो definition लिख देनी है। फिर दूसरा derivation है Huygens principle का, simple सा हो गया होगा। और जो तीसरा है question थोड़ा इस बार अलग से आया बिल्कुल, कि Young's double slit experiment में ये तो small d है दोनों slit के बीच का separation, ये capital D है screen का separation, और यहाँ जो अलग बात है वो fourth bright fringe की distance 5 mm है, लेकिन कहाँ से है, second dark से, यानी उन्होंने क्या दे रखा था Y4 माइनस Y2 यानी फोर्थ ब्राइट और सेकंड डार्क के बीच का सेपरेशन 5 mm दे रखा था, ये थोड़ा अलग था। तो Y4 कितना हो जाएगा, याद आएगा मेरे पास 4D लैम्डा अपॉन डी, और सेकंड डार्क का फॉर्मूला हो जाएगा 3D लैम्डा अपॉन 2D, ये है 5 mm, ठीक है। जब सॉल्व करोगे आप इसे तो यह आ जाएगा 4 माइनस 3 बाई 2 डी लैम्डा अपॉन, थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं,
ये कितना हो जाएगा, देखो 4 माइनस 4 माइनस 3 बाई 2 डी लैम्डा अपॉन डी इक्वल्स टू 5 mm. अब सब वैल्यू दे रखी है तो यहां पर आप लैम्डा निकालोगे और लैम्डा आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर, मैंने पहले सॉल्यूशन कर लिया, इससे आपके टाइम यहाँ थोड़ा सा बचा ले हम लोग, 6 इंटू 10 पावर माइनस 6. तो इसके आंसर क्रॉस चेक करके बताना कि आंसर आप सही है कि नहीं, ठीक है. तो इतना पोर्शन है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कराया है. बाकी आप कमेंट करके बताइएगा, अगर कहीं ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन के आंसर मिसमैच है या कुछ और होना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा इसमें, ठीक है.